सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में आज हमारी जो क्लास है वो पार्ट नंबर सेवन है आज डी नहीं पढ़ेंगे हम आज हम डी तो हमने कल पढ़ा था ये मेरे ख्याल से कल का ही है आज हम डी नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे आज हम इंटरनेट पढ़ने वाले हैं तो इंटरनेट के ऊपर आपके एग्ज़ाम में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं है ना तो वही हम आज देखेंगे कि भाई इंटरनेट के ऊपर क्या क्या सवाल बन सकते हैं और उनका सही आंसर क्या होगा सभी लोग आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सभी लोगों लो तक मेरी आवाज़ अगर आ रही है अरे क्या नाम बताया था तुमने अपना हाय हाय क्या लिखा हुआ ही ही जो भी है बहुत पहले आ गए तुम तो क्लास से आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं फ़ायदे के लिए अपने अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आप में से कई सारे बच्चे हैं जो शायद जानते नहीं होंगे कि हम जो क्लासेस अभी कर रहे हैं ना इसका एक क्विज़ भी कर रहे हैं तो जो क्विज है इन सारे क्वेश्चन का वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक मिलेगा मेरी प्रोफाइल पर आपको लिंक मिलेगा तो आप उन क्विज़ को दीजिए और उन क्विज़ को देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा उसमें से आपको कितना आ रहा है अभी वो क्विज़ आपके लिए चलते रहेंगे और रोज़ सुबह रोज सुबह दस बजे वो क्विज़ हमारी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा टेन एम पे रोज़ सुबह तो एक दिन में मैं आपको एक क्विज़ ऐसा कंप्यूटर अवेयरनेस का दूंगा जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक भी कर पाएंगे और उनमें से जो बच्चा टॉप करेगा जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसका नाम मैं अगली जो क्लास होगी उसमें दिखाऊँगा तो ये हमारा क्विज़ का समय है अभी आज का क्विज़ लाइव है आप जा के दे सकते हैं चलिए अच्छा अपने फ्रेंड को बुलाया चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सभी लोग आंसर बताइए इसका यू आर एल स्टैंड फॉर गुड इवनिंग रिया गुड इवनिंग रमा शंकर बहुत बढ़िया गुड इवनिंग शुभम ओके गुड इवनिंग प्रिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अगर आप आर आर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सिर्फ बैंक नहीं आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है यू का मतलब क्या होता है आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही आंसर है इसका सही आंसर क्या है यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है अगले सवाल पे चलते हैं सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा अगला सवाल अगला सवाल क्या है लिखा हुआ है कि जैसे ये वेबसाइट का नाम लिखा है स्टडी स्मॉल डॉट गुरु ये एग्ज़ाम्पल किसका है इनमें से किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल होगा ये स्टडी स्मॉल डॉट गुरु बताइए भाई किसका एग्जाम्पल है ये क्या ये एक लिंक है या फिर ये आईपी एड्रेस है या फिर केवल एड्रेस है या फिर यू आर है या फिर नन ऑफ दिस कुछ और है जो ऑप्शन में लिखा नहीं है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे आप में से जिन बच्चों ने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है क्विज अटेम्प्ट करो ताकि पता चले जो पढ़ रहे हो उसमें से कितना आ रहा है बहुत बढ़िया यू आर एल बहुत अच्छे बेटा ये जो है ना ये हाइपर लिंक नहीं है ध्यान रखना स्टडीज व डॉट गुरु अगर लिखा है ना ये हाइपर लिंक नहीं है आईपी एड्रेस ऐसे नहीं लिखा जाता आईपी एड्रेस कैसे लिखा जाता है वन नाइनटी टू पॉइंट वन जीरो एट ऐसे करके लिखा जाता है, है ना एड्रेस आपका इंटरनेट के टर्म में ऐसा तो कुछ प्रयोग होता नहीं ये है यू आर एल यू आर एल का मतलब भी आपने समझा यू आर एल का मतलब क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो बताएगा कि आखिर ये जो रिसोर्स है ये कहाँ पे लोकेट है और उसमें जो चीज़ है आपको ला के दिखेगा तो इसका क्या होगा डी वाला आंसर यू आर एल अभी हम इसका जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे यू आर एल का मतलब और क्या होता है आर टी एफ का मतलब बताइए क्या होता है ये भी एक आपका क्या है फॉर्मेट है आर टी एफ इसका मतलब क्या होता है गुड इवनिंग संजीव बहुत बढ़िया संजीव तुमने टेस्ट दिया था मैंने देखा हाँ? अच्छा नंबर नहीं है ऐसा क्यों गुड इवनिंग नयनदीप बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ए रिच टेक्स्ट फाइल वेरी गुड बहुत बढ़िया आर टी एफ का मतलब क्या है सी ओके सी और ए चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है।, है ना तो ए है और ना ही सी है आर का मतलब होता है रिच टेक्स्ट और ये क्या होता है फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि ये क्या एक तरह का फॉर्मेट है ये भी जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो क्या फॉर्मेट लिखते हो doc या एक्स है ना वैसे ही ये क्या होता है rtf होता है rtf का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया ये फॉर्मेट है जिसको rtf के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे टेस्ट के लिए आप टेस्ट के लिए मेरी प्रोफाइल फेसबुक पे हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो गया तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है इसके कंप्यूटर के क्विज का तो उस लिंक पे आप जाओगे फ्री में टेस्ट देना है कोई पैसे नहीं लगने फ्री में दोगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसका आंसर बताओ मैं यहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देता हूँ तब तक यहाँ कमेंट सेक्शन में मैं दे देता हूँ इसका आंसर बताइए आप लोग क्या है बहुत बढ़िया ऑल इज करेक्ट बहुत अच्छा ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसको मैं पिन कर दूँ चलो भाई पिन कर दिया मैंने इसे आप लोग देख सकते हो हाँ वेरी गुड इसका आंसर बताइए क्या है लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एच टी एम एल एच टी एम एल के बारे में इनमें से क्या बात है जो सत्य है है ना क्या बात है जो सत्य है एच टी एम एल के बारे में क्या बात वो ऐसी है जो सत्य है तो पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज क्या ये बात सही है क्या एच टी एम एल एक हाई लेवल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज हम उस सभी लैंग्वेज को कर कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में जिसके मतलब जो वर्ड होते हैं या फिर जो टेक्स्ट होते हैं उनका इस्तेमाल होता है जैसे अगर आप एच टी एम एल की बात करो आपने अगर कभी लिखा जैसे उसमें हेड इस्तेमाल होता, होता है टाइटल इस्तेमाल होता है सब इंग्लिश के वर्ड हैं हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसानों के द्वारा समझने में थोड़ा कठिन रहती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है जो मशीनों के लिए ज़्यादा होती है तो थोड़ा समझना उसको कठिन होता है देखने के लिहाज से तो वो आपका ये एक हाई लेवल लैंग्वेज तो है पहला वाला सही है क्या एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यस और नो क्या एच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गुड इवनिंग पुरुषोत्तम क्या एच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम कह देंगे कि हाँ एच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं एच टी एम एल का अपना ही मतलब क्या होता है एम से क्या होता है ये मार्कअप लैंग्वेज है है ना ये तो आपको पता होगा ये क्या है मार्कअप लैंग्वेज है मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है मार्कअप लैंग्वेज जब भी इस्तेमाल होती है तो वो यूज़र और जो आपका कंप्यूटर रहता है दोनों के समझने के योग्य रहती है है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है थोड़ा डिफरेंस होता है किसी दिन बता दूंगा मैं ये इसका सही आंसर नहीं होगा थर्ड वाला क्या है इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस बिल्कुल इसका प्रयोग क्यों किया जाता है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है उसी के लिए किया जाता है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला वन एंड थ्री समझिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे गुड इवनिंग प्रभा चलो भाई अगला सवाल क्या है www स्टैंड्स स्टैंड फॉर चार बार w है तीन बार नहीं है इसका सही आंसर क्या है w यहाँ पे गलती से एक, एक एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है चार बार w है बहुत बढ़िया डी डी अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट आप लोगों को अगर थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूँगा मैं है ना बाहर कुछ काम हो रहा है सही आंसर बताइए भाई डी बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों का आंसर डी आ रहा है ई e भी आ रहा है बहुत बढ़िया अच्छा सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि क्या इसका कुछ मतलब है भी मतलब क्या डब्ल्यू 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 ऐसे चार बार इसका कुछ मतलब भी निकलेगा कि हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं इसका भी कोई मतलब है हाँ कोई है मतलब इसका हमको तीन डब्लू का मतलब तो पता है है ना वर्ल्ड वाइड वेब ये तो पता है हमें ये चार डब्ल्यू लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है चार डब्ल्यू का तो इसका मतलब है तभी तो लिखा हुआ है और ये हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, इस लिए भी लिखा हुआ है इसका ऑप्शन बी वाला सही है याद कर लेना इसे वर्ल्ड वाइड वेब वार्म ये इसका आंसर है सही चार डब्लू ये है क्या ये अभी इसका अस्तित्व नहीं है ये वन ऑफ द फर्स्ट जो सर्च इंजन होते जैसे आजकल सर्च इंजन है ना जैसे गूगल हो गया बिंज हो गया सर्च इंजन हैं वैसे ही आपका उन्नीस सौ का एक ये सर्च इंजन था कुछ लोग क्लेम करते हैं कि सबसे पहला सर्च इंजन था कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले भी सर्च इंजन आ चुके थे आप ऐसा कह सकते हो वन ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन ये चार बार जो डब्ल्यू है ये था आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है डैश इज अट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज टू इंटर कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस ऑन द इंटरनेट कि कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट पे नेटवर्क जो डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करते हैं किसका प्रयोग करके ऐसा हम करते हैं बताइए भाई सही आंसर क्या है इसका सभी लोग बताइए शर्माइए नहीं बताते हुए और गलत ऑप्शन हो जाए करें ना तो मिटाया मत करिए डिलीट मत क्या करिए जो भी आ रहा है वही बताइए वेरी गुड मधुर टी सी पी आई पी विवेक का भी टी सी पी आई पी नुसरत का डी अच्छा ये उत्सव और ये क्या ही ही लोचा रोस्टर ए बी ओके पुरुषोत्तम का भी डी सभी का लगभग डी आ रहा है है ना इसका सही आंसर भी यही है क्या है सही आंसर इसका सही आंसर है डी टी सी पी आई पी ये इसका सही आंसर है टी सी पी आई पी आपकी इंटरनेट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब किसी एक प्रोटोकॉल के बारे में बात नहीं हो रही कौन सी वो प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग हम करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने में और मैंने जब आपको ओ मॉडल पढ़ाया था तो आपको बताया भी था मैंने कि ओ मॉडल केवल बताया गया था वो अस्तित्व में आया नहीं था अस्तित्व में कौन सा मॉडल चलता है टी सी मॉडल चलता है आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेट की जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कौन सी है इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सी है वट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ़ इंटरनेट आई पी फोर एस टी टी पी टी सी पी आई पी एस एस एल नन ऑफ दीज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सी है आप में से जो बच्चे आ गए हैं अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिए अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें इसका सही आंसर बताइए सभी लोग क्या आ रहा है बी और ए अच्छा वेरी गुड बी आ रहा है बी वी बी वेरी गुड वेरी गुड तो देखो एच टी टी पी प्रोटोकॉल तो है सिंपल सी बात है प्रोटोकॉल तो है है ना लेकिन यहाँ इंटरनेट की प्रोटोकॉल के बारे में जब बात किया जा रहा है आप सभी लोग मेरे को बताना ये जो प्रोटोकॉल है आपकी टी सी पी आई पी यही इसका सही आंसर है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट की जब भी इंटरनेट की बात आ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एच टी टी पी प्रोटोकॉल है लेकिन वो इसी के अंदर ही आ जाएगी ये जो प्रोटोकॉल है इसी में आ जाएगी HTTP, टी टी पी टी सी पी आई पी में इसी में एस एस एल भी आ जाएगा और ये तो आई पी वर्जन फोर एक टाइप है ऐसे आई पी वर्जन सिक्स है एस आई पी वर्ज़न फोर है इसका सही आंसर क्या है सी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं लिखा हुआ इंटरनेट इज डेवलप्ड बाय विच एजेंसी जो पहला इंटरनेट था उसको किस एजेंसी ने डेवलप किया हाँ वेरी गुड उपेंद्र बहुत दिन बाद देखे उपेंद्र हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही आंसर बताइए इसका क्या है इंटरनेट को किसने डेवलप किया कौन सी एजेंसी ने डेवलप किया वेरी गुड वेरी गुड आरपा बी वाला ऑप्शन बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया सही बता रहे हो आप लोग सही बता रहे हो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ए आर पी ए इसने सबसे पहला जो इंटरनेट है उसको डेवलप किया आपसे अगर पूछा जाए इसे किसने डेवलप किया तो क्या बताओगे ये किसने डेवलप किया हाँ आरपा नेट इज द प्रोजेक्ट दैट इज डेवलप्ड बाय ए आर पी ए बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों का सही हो रहा है हाँ फुल फॉर्म बताता हूँ भैई सब बताता हूँ मैं पहले आप लोग बताओ इसे किसने डेवलप किया पता होना चाहिए ये भी आपका वैसे ही इंपॉर्टेंट है इसे किसने डेवलप किया टिम बर्नर्स ली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखिए ए आर पी ए का मतलब क्या है बहुत आसान सा मतलब है ए का मतलब एडवांस आर का मतलब रिसर्च पी का मतलब प्रोजेक्ट एजेंसी यह यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना इसी के तहत काम ये आपका एजेंसी काम करती है जिसने सबसे पहला जो इंटरनेट है मतलब इंटरनेट का मतलब क्या हो गया कि पैकेट स्विचिंग कह लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना है ना उसकी शुरुआत इसने करी थी और इसका नाम क्या था आरपा नेट प्रोजेक्ट इसका नाम था और अगर हम बात करें डब्लू डब्ल्यू की तो उसकी शुरुआत टिम बर्नर्स ली ने करी थी है ना इन्होंने इसको खोजा था नाइन मतलब बनाया था 1989 में और ये जो बात हो रही है ना ये आपकी नाइनटीन की बात हो रही है उस जमाने में मतलब पैंसठ से शुरू हो गया था काम उनहत्तर में जा करके पहला पैकेट ऐसे भेजा गया तो वो उस समय की बात है फिर उसके बाद बहुत सारे और डेवलप होते गए डेटा को भेजने के तरीके और फिर बाद में जा करके आपका जो वर्तमान समय में हम देखते हैं वो प्रारूप आया सामने आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ डैश इज़ द फोन बुक ऑफ इंटरनेट थ्रू विच ह्यूमंस एक्सेस इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल स्टडी स्मो डॉट गुरु कि क्या करे जैसे ये अगर है जैसे एग्जाम्पल में लिखा है स्टडी स्मो डॉट गुरु आप वेबसाइट में हमारी जाओगे तो यहाँ पर आपको क्विज़ मिलेगा स्टडीज स्मार्ट आउट ग्रुप जाओगे ना सारे क्विज़ मिलेंगे तो जैसे ये है तो कह रहा है कि ये फोन बुक है तो इसको क्या कहेंगे ये क्या है क्या इसे डी कहेंगे यू कहेंगे वेब एड्रेस कहेंगे क्या कहेंगे बहुत बढ़िया बताइए क्या कहेंगे इसे इसका सही आंसर बताइए सभी लोग यू आर एल क्या करो इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट कंपनी कौन लाई थी ये तो नहीं पता मेरे को आप बताओ कौन लाया था सबसे पहले गुड इवनिंग कंचन यू आर एल वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बी बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब सारे क्वेश्चन का आंसर यू आर एल होगा तो फिर काम नहीं चलेगा इसका आंसर क्या है सही ए वाला डी एन एस कहते हैं इसको लिखा हुआ है डी एन एस इज द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट थ्रू विच ह्यूम एक्सेस इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल स्मूथनेस डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा डीएनएस की फुल फॉर्म किसको किसको पता है जरा आप साथ साथ में लिखना डीएनएस का मतलब क्या होता है डोमेन एन का मतलब क्या होता है नेम और एस का मतलब क्या होता है सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम क्या आपने सही फुल फॉर्म लिखी डोमेन नेम सिस्टम है ना हाँ तो डोमेन नेम सिस्टम हाँ वेरी गुड सही लिखा है तो बहुत अच्छा है ये क्या होता है देखो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूं डीएनएस और यूआरएल में क्या डिफरेंस जानना चाहोगे कि मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन पे मतलब कुछ लोगों को हो सकता है कि ना इंटरेस्ट हो हाँ इनफ तो है ही अगर आप सही से पढ़ो बताऊं मैं डिफरेंस इसका डीएनएस और यू में हाँ अच्छा देखो डीएनएस क्या है जैसा आप देख रहे हो क्या लिखा है फ़ोन बुक है देखो जो भी हमारी जैसे कोई भी वेबसाइट है जैसे मेरी वेबसाइट क्या है स्टडी तो एक्चुअल में ये स्टडी क्या है इसको एक ह्यूमन नेम दिया गया है है ना एक्चुअली में जहाँ ये सर्वर पे होगी इसका एक आईपी एड्रेस होगा आईपी एड्रेस कैसा होगा कैसे भी हो सकता है जैसे वन ऐसे करके एक आई एड्रेस होगा तो अगर मैं कहूँ कि आपको आई एड्रेस याद रखना है किसी भी वेबसाइट खोलने के लिए तो ये हमारे दिमाग के बस के बाहर की चीज़ है है ना हमको पता है गूगल डॉट कॉम कैसे खुलेगा गूगल डॉट कॉम लिखेंगे खुलेगा लेकिन अगर गूगल का आई पी एड्रेस याद करना हो और ऐसे आपको पचास वेबसाइट की आई पी एड्रेस याद करना हो तो नहीं खोल पाओगे आप या तो एक डायरी बना के रखोगे सबका आई पी एड्रेस क्या है तो ये जो दिक्कत है इसको दूर किया गया किससे इसी को दूर किया गया किससे डी एन एस से है ना इसी को दूर किया गया किससे डी एन एस से कि हमने उसे एक सिंप्लीफाइड वे दे दिया अंग्रेजी में ताकि हम चीजों को याद रख सकें कि हमको स्टडी स्मॉल डॉट गुरु याद रहेगा इसका आईपी एड्रेस शायद ही याद रहे अगर मैं दे दूं तो भी समझ पा रहे बात तो ऐसे दस वेबसाइट आप नहीं कर पाओगे तो डी का, का काम क्या होता है डी का, का काम होता है इसी चीज को इंटरचेंज करना कि अगर आप स्टडी स्मॉल डॉट गुरु लिखोगे तो जाएगा ये इसी आईपी एड्रेस पे ही तो इसको जो चेंज करने का काम होगा किसका होगा डोमेन नेम सिस्टम का होगा डीएनएस इज अ पार्ट ऑफ URL. ऐसा याद रखो डीएनएस क्या है URL का पार्ट है URL का मतलब क्या होगा URL का मतलब जैसा मैंने अभी आप आपको पहले बताया था पहले क्या बताया था कि जो एड्रेस लिखा हुआ था कैसे लिखा हुआ था एच टी टी पी एस दो स्लैश और इसके बाद क्या लिखा हुआ था स्टडी स्मार्ट डॉट गुरु मान लो ऐसे लिखा हुआ था ठीक है तो दिस इज अ URL. DNS केवल इतना ही होगा स्टडी स्मार डॉट गुरु यू आर एल के लिए ये मैथड होना ज़रूरी है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं मैथड पता हो तो ठीक है मैथड का मतलब ये एच टी टी पी भी हो सकता है एच टी टी पी एस भी हो सकता है एस अगर होगा तो हमको पता है इसमें एस एस एल लगा हुआ है सिक्योर सॉकेट लेयर आपका लगा हुआ है ताकि ये सिक्योर रहे और स्टडी डॉट गुरु इसका क्या हो जाएगा समझ लो ऐसे डी एन एस अब यू आर एल केवल इतना ही नहीं होता अगर मान लो अगर मान लो आपको मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज पे भेजना चाहूँ है ना मान लो स्पेसिफिक पेज पे भेजना चाहूँ तो इसी के आगे एड्रेस कैसा लिखा रहेगा स्टडी स्मॉल डॉट गुरु स्लैश करके ऐसे लिखा रहेगा क्विज है ना ये आपका क्यू जो है मैं स्मॉल में कर देता हूँ लेकिन उस कैपिटल में भी आप कर सकते हो ऐसे लिखा है क्विज़ तो ये क्या है एक यू आर एल है है ना ये क्या है आपका एक यू आर एल है लेकिन डी एन एस कितना है इतना है ये है आपका डोमेन नेम सर्वर की अच्छा इस पे जाएगा फिर पता चलेगा किधर जाना है तो ऐसे आप किसी एक वेब पेज का खोलोगे तो बड़ा ऐसा यू देखने को मिलेगा ना कि समथिंग 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 डैश उस पेज का पूरा नाम लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा यू तो यू एक बड़ी चीज़ है डीएनएस एक पार्ट है यू का जिसका काम क्या है कि जो आई एड्रेस होता है ना जो सर्वर का उसको सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाना ताकि वो याद रहे आपको आपको इतना बड़ा थोड़ी ना याद रहेगा कि इसकी आईपी पी एड्रेस क्या होगी ऐसे पचास एड्रेस मिल जाएंगे तो हो गया काम आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ई एड्रेस इज इनमें से कौन सा है करेक्ट फॉर्मेट हाँ वेरी गुड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जैसे जो आपका लिखा रहता है ना डॉट कॉम डॉट इन ये सब आपके क्या होते हैं इनको कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन कि इससे पता चलता है अच्छी अच्छा ये डोमेन किधर से आपका लोकेट हो रहा है तो ये सब उसी के एग्जांपल्स हैं होता है करेक्ट फॉर्मेट ऑफ़ ईमेल एड्रेस इसमें से कौन सा है जो करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का बहुत बढ़िया कौन सा है फॉर्मेट ये वाला बहुत अच्छे द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस इज क्या लिख रहे हो आई पी सिक्स लाइक ने सर अरे वो तो आईपी आपकी वर्जन सिक्स हो फोर हो डी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे देखो इसका क्या फुल इसका क्या सही फॉर्मेट है देखो कितना आसान सवाल है सबसे आसान सवाल मतलब इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता इसको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आप बता सकते थे लेकिन बताए नहीं कोई ऐसा क्यों भाई ई मेल नहीं है आपके पास सभी लोगों के पास होगी क्या पहला वाला आंसर हो सकता है बेटा नहीं क्यों इसमें ऐट द रेट क्या लिखा हुआ है देखो स्टडी स्मार्ट जीरो जीरो ऐट द रेट केवल जी मेल डॉट कॉम लिखा हुआ है तो पहला वाला होगा नहीं होगा अच्छा दूसरे वाले पे आते हैं लिखा हुआ है स्टडी स्मार्ट जीरो जीरो और यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है ये डैश है ऐसा कभी भी अगर डैश आएगा तो ध्यान रखना वो आखिरी में आकर के द रेट के साथ नहीं लगेगा अगर डैश आता तो एक ऐसे लिखा जैसे मान लो ये स्टडीज डैश स्मार्ट ये कनेक्ट होना चाहिए तो कनेक्ट करने के लिए यूजली हम क्या यूज़ करते हैं इस डैश का प्रयोग नहीं करते हैं नीचे से इसको कनेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं हाईफोन बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसे तो उसका हम प्रयोग करते हैं डैश का प्रयोग नहीं करते ये भी आपका सही फॉर्मेट नहीं है तीसरा वाला देखो इसमें दो डॉट हैं अगर हम डॉट से कनेक्ट करेंगे तो केवल एक डॉट होना चाहिए दो डॉट हैं इसमें यह भी गलत है चौथे वाले में अगर आप देखोगे तो स्पेशल करेक्टर हैज़ का प्रयोग किया गया है कभी देखा किसी की मेल में हैज़ लिखा हुआ कभी देखा आज तक हैज़ लिखा हुआ आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते आउट ही नहीं है यहाँ पे आप इसको लिखो हैश तो ये भी इसका सही फॉर्मेट होगा क्या होगा क्या इसको जैसे मैं ऐसे लिख दूँ मेरी ई मेल भी है बहुत सारे लोग पूछते रहते हो ना क्या है ई मेल आई डी स्टडी स्मार्ट ज़ीरो ज़ीरो द रेट जी मेल डॉट कॉम समझ रहे हो तो ये हो जाएगा क्या करेक्ट ईमेल एड्रेस अच्छा ये ईमेल एड्रेस होगा क्या इन्फो एट द रेट स्टडी स्मार्ट डॉट गुरु क्या दूसरा वाला आपका ईमेल एड्रेस है करेक्ट फॉर्मेट ये वाला यस नो केवल इतना बताओ अंडर स्कोर हाँ अल्फा न्यूमेरिक यूज नहीं करते <laughs> नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सेकंड वाला क्या होगा ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट format. आपको फॉर्मेटिंग के लिए देखना ही क्या है आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ देखनी है एट द रेट होना जरूरी है डॉट के बाद अगर मैं केवल जी मेल लिख दूँ है ना जी मेल लिख दूँ डॉट कॉम ना लिखूँ तो भी गलत हो जाएगा जी मेल कॉम लिख दूँ डॉट ना लगाऊँ तो भी गलत हो जाएगा है ना बीच में अगर कोई स्पेशल करेक्टर लगा दिया जैसे ये लगा दिया तब भी गलत है एट द रेट लगा दूँ दो बार तो भी गलत है तो ये भी आपका करेक्ट फॉर्मेट है ये वेबसाइट के लिए आपका यूज़ किया जाता है जैसे किसी की वेबसाइट है मेरी वेबसाइट है ई मेल एड्रेस है ये भी आपका करेक्ट फॉर्मेट है है ना आगे बढ़ते हैं अरे जी मेल डॉट कॉम होना ही ज़रूरी नहीं ई मेल के लिए ध्यान रखना कि पता चले जी मेल के कहे याहू मेल तो नहीं ये नहीं है समझ रहे हो आगे बढ़ते हैं लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है सर्च इंजन तो जानते हो ना जैसे अभी बताया आपको चार बार डब्लू हाँ ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन वेरी गुड लैंड टिप्स वैन अरे बेटा अंकित कुमार कौन कौन है तुम में से अंकित कुमार कौन है गुड इवनिंग दीप कट ऑफ नहीं निकलता है थोड़ा प्रयास ज़्यादा करिए क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करिए अगर क्लास अच्छी लग रही तो सही आंसर बताइए बेटा इसका क्या है इनमें से कौन सा है जो कि एक सर्च इंजन नहीं है कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है वेरी गुड सारे बच्चों की ऑप्शन आ रहे हैं ओनली टू बहुत अच्छे एल आर की क्लास बेटा वेडनेसडे से शुरू होगी बुधवार से बहुत अच्छे ई ऑप्शन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो बाईडू एक सर्च इंजन है क्या हाँ कहाँ पे यूज होता है चाइना में ज़्यादातर है ना डग डग गो ये भी आपका एक सर्च इंजन है कहाँ पे यूज होता है कहीं भी यूज कर लो इंडिया में भी यूज होता है गूगल तो आपका सर्च इंजन है ही बिंज भी आपका क्या है सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का है ना तो इसका सही आंसर क्या है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो आप कहोगे नन ऑफ दिस इसमें तो सारे ही सर्च इंजन है ऐसा कोई मिला नहीं जो सर्च इंजन ना हो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल बताइए सही आंसर क्या है लिखा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है ये सब तो सवाल आपके बड़े ही काम के हैं है ना बहुत आसानी से बता लोगे आप लोग बहुत बढ़िया वेरी गुड क्या लिखे हो तो बिंज उसमें ई नहीं होता बेटा बिंज का मतलब उसका तो होता है लगातार देखना वहाँ ई लिखा हुआ था क्या साथ में हो सकता है इसी टाइपिंग मिस्टेक कई बार हो जाती हैं इसका सही आंसर क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है क्या लिंकडिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बिल्कुल क्या पिंट्रेस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बिल्कुल रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बिल्कुल क्या विकीपीडिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बिल्कुल नहीं विकीपीडिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक इंफॉर्मेशनल पेज है जहां से आप दुनिया भर के तमाम तरह की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो तो इसका सही आंसर क्या है ओनली फोर बी वाला कि विकीपीडिया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है अरे भैया बिंज है बिंज ये ये है सर्च इंजन बिंज माइक्रोसॉफ्ट का मैं कह रहा हूँ कि अगर ई e लगा रह गया हो है ना कई बार ऑटो करेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं पूछ लिया बता दिया मैंने चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं लिखा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन नॉट डैश ऑनलाइन मतलब आप क्या नहीं कर सकते इंटरनेट की हेल्प से या इंटरनेट पर जो भी कह लो जैसा भी सवाल है हाँ वेरी गुड बताइए भाई तुम्हारा सही है पुरुषोत्तम बहुत बढ़िया इ, आप जमीन नहीं बेच सकते हो अरे ज़मीन तो बेच ही सकते हो देखते नहीं हो 99acres.com नाइन एकर्स डॉट कॉम है ना जमीन घर जो चाहो सब बेच दो मतलब इंटरनेट की हेल्प से आप क्या नहीं कर सकते हो क्या आप वीडियो एडिट कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बताओ वीडियो एडिट हो पाएगी क्या इंटरनेट की हेल्प से आजकल वीडियो एडिट हो जाती है ऑनलाइन वीडियो एडिटर्स हैं तो वीडियो टू तो एडिट हो ही जाएगी फ़ोटो तो आप लोग करते ही हो क्या जमीन बेच सकते हो इंटरनेट की हेल्प से लिखा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन नॉट सेल लैंड बेच सकते हो क्यों नहीं बेच सकते बेचते ही हो नहीं पता है तो 99 नाइन एकर्स और इस तरह की जो वेबसाइट हैं उसको खोलो है ना उसमें ज़मीन घर जो चाहो सब बेच दो <laughs> क्या आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बाय कर सकते हो अब अगर तुम तीन साल चार साल पहले की बुक देखोगे तो इसमें हो सकता है आप देखो अच्छा ये नहीं कर सकते तो ये भी आप कर सकते हो है ना जैसे मैं इसमें एक और ऑप्शन लिख दूं जैसे लेकर क्या आप खरीद सकते हो है ना जो मादक पेय पदार्थ होते हैं क्या आप ऑनलाइन खरीद सकते हो तो उसका आंसर यस भी है नो भी है कुछ राज्यों में आपको पता होगा जिन्होंने ऑनलाइन लेकर बेचना शुरू किया था कोरोना के टाइम में तो भेज भी सकते हो और नहीं भी भेज सकते क्योंकि कानूनी रूप से पूरे भारत में मान्य नहीं है है ना हाँ मैजिक ब्रिक्स हाँ किसी पर भी जाओ आगे बढ़ते हैं इसका आंसर तो पता चला से आप सारे काम कर सकते हो ये है इसका आंसर अगले सवाल पे लिखा हुआ डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर यूजली लार्ज कंप्यूटर सिस्टम प्रणाम अभिषेक लेट आए भाई तुम हाँ फार्मेसी नेट मैट सही का यही तो है बिहार में तो बंद है सही सही बताना हाँ चलो बढ़िया है इसीलिए तो मैंने कहा उसका आंसर यस और नो होगा दोनों अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि क्या आप लिख कर बेच सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो आप उसको वो अगर आएगा तो नन ऑफ दीज ही मारना क्योंकि वो बीच में पड़ जाएगा यस my my में, में भी नो में भी रहा हूँ यूट्यूब के सर्वर पे यूट्यूब के सर्वर पर भेज रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा एडी कहलाएगा ट्रांसफरिंग इज अ वेरी लेमेंट टर्म है ना बहुत ही जनरल शब्द है ट्रांसफरिंग ट्रांसमिशन तो यहाँ खुद ही लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपलोडिंग अपलोड करना है ना जनरल शब्द नहीं जब तुमको दिख रहा है डाउनलोडिंग है अपलोडिंग है तो पहले उसको देखो कि इनमें से क्या कोई ऑप्शन फिट बैठ रहा है जब आप किसी जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो ना क्या करते जैसे आप व्हाट्सअप पे हो आपको कोई वीडियो भेजनी है तो आप अपने एक छोटे से मोबाइल से जो भेजते हो वीडियो कहाँ जाती है आपके दोस्त के पास अपलोड नहीं होती है वो जाती है व्हाट्सअप के सर्वर पे तो यूजली ये लार्ज कंप्यूटर सिस्टम बड़े सर्वर पे जाएगी फिर वहां से वो पॉइंट आउट होगी आपके दोस्त के पास तो दिस प्रोसेस इज कार्ड अपलोडिंग अपलोड करना आगे बढ़ते हैं आई का मतलब क्या होता है बिहार में आपका स्वागत है स्वागत करोगे अच्छा स्टक हो जा रहा है क्या बीच बीच में वीडियो रुक रही है आज का कुछ बहुत अच्छा था हाँ बहुत बढ़िया आप लोग देते रहो अच्छा बिहार से कौन कौन हो तुम लोगों में से कौन कौन देख रहे हो बिहार से बच्चे बहुत देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे क्या भाई वीडियो ऑडियो सही चल रही है ना मतलब प्रॉपरली चल रहा है कि रुक रही है जरा इसको भी एक बार बता देना कि अगर रुक रहा हो तो उसका इंतज़ाम देखा जाए कुछ अगर आप में से किसी का ही एक रुक रहा हो तो फिर वो इंतजाम देखे <laughs> तो इसका सही मतलब क्या है तो इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल आई पी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी से एक सवाल और कि आई पी वर्जन फोर जो होता है उसका जो एड्रेस होता है वो टू की पावर कितने का होता है टू की पावर कितना होता है कर्नाटका बीच बीच में स्टक हो रही है अच्छा चलो फिर देखते हैं भाई इसका इंतज़ाम करते हैं कुछ अगर स्टक हो रही है तो हाँ भाई बताओ टू की पावर कितना होता है आईपी वर्ज़न फोर का एड्रेस पता है छः अरे अच्छा अच्छा हाँ वेरी गुड चलिए अभी बताया था मैंने क्लास में इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर बत्तीस है दो की पावर बत्तीस तो आईपी वर्जन सिक्स का भी बता दो इसी के साथ एड्रेस क्या होता है टू की पावर कितना कितने बिट का होता है एड्रेस आई पी वर्जन सिक्स का दो सौ छप्पन इतना भी नहीं होता पाँच होती है दो की पावर बत्तीस होती है वेरी गुड ये क्या होता है एक सौ अट्ठाईस आगे बढ़ते हैं लिखा हो वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज कि जब आप वेरिफिकेशन करते हो लॉग इन नेम पासवर्ड के जरिए उसे क्या कहा जाता है आप में से जो जो भी महानुभाव देख रहे हो आप लोग कृपया लाइक जरूर कर दो क्योंकि आपके लाइक से होता है कि मुझे पता है आपको अगर वीडियो अच्छी लगी आप देख रहे हो तो एक थोड़ा ना यूट्यूब का आजकल एलगोरीदम ऐसा है कि वीडियो अगर लाइक रहेगी तभी वो आगे बढ़ेगी है ना वरना आगे नहीं बढ़ेगी तो आप लोग अगर लाइक करोगे तो थोड़ी सी सहायता ये भी होगी आप अगर अभी लाइक नहीं कर सकते तो वीडियो अगर ख़त्म हो जाए तब भी आप कर सकते हो बताइए भाई सही क्या है आंसर वेरिफिकेशन जो होता है लॉगिन या पासवर्ड के जरिए उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है उसे क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन कहते ऑथेंटिकेट करना कि भाई लॉगिन नेम पासवर्ड दोनों सही यहाँ पे एंटर किया गया है और आप वही पर्सन हो जिसके बारे में बात हो रही है आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है कि अगर आप एक टैब ओपन करते हो टैब ओपन करते हो क्रोम पे तो कौन सा रिसोर्स आपके कंप्यूटर का है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है या फिर आप इसको दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकते हो कि आप जो टैब ओपन करते हो वो लार्जली किसके ऊपर डिपेंड करता है इनमें से जो रिसोर्स है उसमें से कौन सा है बताइए भाई आइडेंटिफाई करना हाँ सही है सी बहुत बढ़िया तेज हो गए तुम लोग हाँ बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही सभी के आंसर सही हैं अरे वाह अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे सही आंसर क्या है इसका रैम है ना इसका सही आंसर क्या है रैम आपकी रैम जो है जितनी है आपका जो टैब ओपन का प्रोसेस है वैसे ही चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर एक साथ कितने प्रोसेस झेल पा रहा है रैम अगर कम है तो टैब आप खोलोगे लेकिन वो काम नहीं करेगा फ्रीज कर जाएगा क्रैश कर जाएगा ऐसा प्रॉब्लम होने लगेगी आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ था सर्च रिजल्ट आर यूजली प्रेजेंटेड इन अ लिस्ट एंड आर कॉमनली कॉल्ड डैश जब आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे या कहीं भी तो एक लिस्ट के रूप में आता है उस लिस्ट को लिखा हुआ है कि उसको किस नाम से जाना जाता है उसे हम रिजल्ट्स कहते हैं आंसर्स कहते हैं सक्सेस कहते हैं लिंक्स कहते हैं हिट्स कहते हैं क्या कहते हैं आखिर उसका एक प्रॉपर टर्म होता है अरे बेटा ही ही हाहा हा क्या भी नाम है तुम्हारा है ना टीचरों के प्रति कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करो अच्छा ये पढ़ना है डी दी, डी आर थ्री और डी डी आर फोर के बीच का डिफरेंस आजकल तो डी डी आर फाइव और सिक्स भी आ गए हैं बताओ बेटा सही आंसर क्या है आप में से जो भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक जरूर करिए इसे क्या कहते हैं मैं बताता हूँ आप में से ज्यादातर बच्चे आंसर सी मार रहे हो हुं? सी मार रहे हैं आप सी और डी डी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसका सही आंसर है ई हेड्स जो आपका सर्च इंजन होता है जब आप कुछ सर्च करते हो तो जो रिजल्ट निकल के आते हैं उनको कहा जाता है हिट्स कि कितने हिट्स हुए मतलब कितने ऐसे जो सर्च हैं जो उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं और उनके अनुसार वो रिजल्ट प्रिपेयर हो गया हिट्स कहते हैं इसे ध्यान रखना प्रॉपर टर्म इसका क्या है हिट्स हिट्स कहते हैं आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ डिवाइस लाइक कंप्यूटर मोबाइल ऑन इंटरनेट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय कि कोई डिवाइस है कोई कंप्यूटर है अगर इंटरनेट पे यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करना भैया यही डिवाइस है या फिर यही वो कंप्यूटर है जिससे कुछ भेजा गया है तो कैसे डिसाइड करोगे किस चीज़ से आप डिसाइड करोगे वेरी गुड बहुत बढ़िया मैंने बता रखा है ये चीज़ आपको पढ़ाया हुआ था और बताया भी हुआ है और डिफरेंस भी बताया हुआ है किससे क्या डिसाइड होता है अगर आपने ओ मॉडल वाली वीडियो नहीं देखी है तो सारे बच्चे ओ मॉडल में पढ़ा चुका हूँ आपको प्ले पूरी प्रोवाइड कर चुका हूँ ये हमारी सोलहवीं क्लास है तो सोचो कितना कुछ पढ़ चुके हैं अभी हम तो आप लोगों ने अगर देखे नहीं है वीडियो तो जा करके देखिए जरूर बहुत अच्छे हाँ वेरी गुड सही आंसर क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको सही आंसर आईपी एड्रेस क्या होता है आईपी एड्रेस का मतलब ये होगा कि वो आपके नेटवर्क को मतलब जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो उसको बताएगा कि भाई आईपी एड्रेस इसका क्या है ये कहाँ से सिग्नल आ रहा है आपके पास एक क्या होगा कि मान लीजिए राउटर uh, है आपके पास है ना तो उसका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस आपको आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड रहता है कि ये आपका आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस भी आपका दो तरीके का होता है एक होता है स्टैटिक होता है डायनेमिक है ना स्टैटिक का मतलब आईपी फिक्स है बदलेगी ही नहीं तुम्हारी और डायनेमिक का मतलब क्या होता है आई बदलती रहेगी तो आई एड्रेस से आप क्या डिसाइड करते हो आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो राउटर है या ये जो कनेक्शन है किसके नाम पर है और ये कहाँ से इसके घर का पता क्या है लेकिन अगर मेरे को ये देखना हो कि ये ठीक तो है एक ही घर में चार पांच कंप्यूटर हो सकते हैं पांच छह मोबाइल हो सकते हैं ये जो स्पेशल चीज़ है ये कहां से भेजी गई इस एक आईपी से कहां से भेजी गई तो अगर आप उसका मैक पता कर लो मैक अगर पता चल जाए तब आप ये बता पाओगे मैक एड्रेस से कि अच्छा ये डिवाइस है क्योंकि मैक एड्रेस सबका अलग अलग होता है हर एक मोबाइल का हर एक कंप्यूटर का तो मैक एड्रेस से आपको पता चलता है कहाँ से भेजा एक शब्द यहाँ लिखा यूनिकली उसका यही मतलब है मैक का फुल फॉर्म पता है क्या बता रखा है मैक का फुल फॉर्म हाँ मैक एड्रेस सबका अलग अलग होता है रिपीटर का देखो रिपीटर का रिपीटर एक टर्म ऐसा ही है चलो किसी दिन अब हार्डवेयर वाला पार्ट पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो रिपीटर मॉडेम ये सब होता है ना इसमें अगर कंफ्यूजन है तो किसी दिन पढ़ाता हूँ मैं इसे जैसे रिपीटर होता है हब होता है स्विच होता है राउटर होता है मॉडम होता है है ना तो ये सब पढ़ाता हूँ किसी दिन हाँ वेरी गुड मीडिया एक्सेस कंट्रोल बहुत अच्छे सही आंसर इसका आंसर बताइए लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग यू कांट चेंज लीगली इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि आप लीगली चेंज नहीं कर सकते मतलब अगर उसे आप चेंज कर रहे हो तो आप कुछ लोचा वाला काम कर रहे हो क्या है सही क्या आप डी सर्वर बदल सकते हो अपना डी सर्वर डी सर्वर का मतलब हो गया जैसे आपका आई एक डी सर्वर उसके पास होता है आप उसे चेंज कर सकते हो कि आप अगर अपने आई का डी सर्वर नहीं चाहते हो तो आप गूगल का सर्वर ले लो एट वो लगा लो तो होगा क्या सर्च रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा फास्ट होंगे ज़्यादा सही आएगा है ना तो ये तो आप चेंज कर सकते हो क्या आप आईपी एड्रेस बदल सकते हो बेटा अपना आईपी एड्रेस आप बदल सकते हो वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है बदलना ना बदलना वो कौन देता है आईएसपी देता है जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना जियो एयरटेल बी ये सब देते हैं तो वो बदल सकते हो तुम अपने मोबाइल का सिम बदल दो तुम्हारा आई बदल जाएगा और आई पी अगर डायनेमिक है तो वो वैसे ही बदलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद जितनी बार आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करोगे बदला रहेगा आई आई क्या आप मैक एड्रेस बदल सकते हो मैक एड्रेस जैसे सम, ऐसा समझो जैसे गाड़ी में होता है ना मोटरसाइकिल और गाड़ियों में चेचिस नंबर होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है किसी का भी चेचिस नंबर एक तरह नहीं है है ना तो अगर तुम किसी गाड़ी का चेचिस नंबर घिस दो तो क्या वो कानूनन जुर्म है हाँ ये ऐसे कानूनन जुर्म है लेकिन मैक अडर अगर आप बदलते हो पहली चीज़ तो बदलना नहीं चाहिए अगर आप बदल रहे हो इसका मतलब आप कुछ इ काम करोगे तभी बदलोगे वरना नहीं बदलोगे तो इसका सही आंसर क्या होगा कि आप इसको नहीं बदल सकते हो इसको बदलने के कोई तरीके नहीं होते बदले जाते हैं लोग बदलते हैं लेकिन वो जो लोग बदलते हैं वो किसी ना किसी कांड को करने के लिए बदलते हैं डिवाइस नेम तो आप चेंज कर ही सकते हो तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है ये वाला है इसको हटा मैं वरना सोचोगे दो दो आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं ख़त्म हो गया सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हाँ चलिए क्या सिचुएशन इन अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है हाँ वेरी गुड वेरी गुड हमारे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए मज़ा आया आप लोगों को क्लास करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए थे मैंने और आपने भी देखा होगा कि बड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे और मज़ेदार क्वेश्चन थे तो थोड़ा अच्छा आया चलिए अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर करिए देखिए मेरी तरफ़ से तो आप ही लोग जो भी थोड़ी सहायता करना है कर सकते हैं है ना तो आप अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप में से जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का उद्देश्य एक बार मैं फिर से बता दूं केवल पीडीएफ के लिए मत जुड़िएगा थोड़ा एक्टिव रहिएगा तो आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएं ग्रुप में आप उसका आंसर करिए आपको इसी ग्रुप में जो मैं क्विज करवा रहा हूं वो भी आपको मिलेगा आप उस क्विज़ को दे सकते हैं और अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं दूसरी चीज़ जो बच्चे भी चौबीस घंटे के अंदर मैं एक रिज़ल्ट कंपाइल करूँगा क्विज़ में जिनके अच्छे नंबर आए होंगे हाइएस्ट जो होंगे टॉप फाइव उनका नाम मैं अगले दिन यहाँ सामने दिखाऊंगा तो आप लोग अगर क्विज दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप अपना नाम जरूर लिखिएगा उसमें कि नाम देंगे तो पता चलेगा बेटा तुम ही हो है ना नाम नहीं लिखोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि किसने दिया है वो क्विज़ तो आप लोग नाम जरूर लिखा करिए बाकी ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप चाहते हो कि इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो डिफरेंस बिटवीन हाइपर लिंक एंड यू आर एल देखो हाइपर लिंक का मतलब जैसे ये आप देख रहे हो ये क्या है हाइपर लिंक है ये लिखा हो ना स्टडी स्मार्ट डॉट ये जीरो जब मैं पी डी एफ आपको दूंगा जब पी डी एफ आपको दूंगा तो आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे ग्रुप पे पहुंच जाओगे टेलीग्राम वाले दिस इज अपर लिंक हाइपर लिंक आप इस टेलीग्राम के ऊपर एक लिंक एसोसिएट कर दो जोड़ दो इसके साथ एक लिंक वो हाइपर लिंक हो गया कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ और जगह पे वो पॉइंट आउट करेगा मुझे यू का मतलब एक एड्रेस होगा वो यू होगा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है ये यू नहीं हो सकता है ना ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है चलिए कल का टॉपिक क्या रखा जाए अच्छा आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है यूनाइटेड नेशंस और उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ में जो करंट अफेयर के साथ रिलेटेड है ये वीडियो कि जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हैं वो उन्होंने बताई हुई इस वीडियो में इसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और ये आपको कल सुबह मिलेगी इस ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी तो आधे घंटे की वीडियो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा एक ही वीडियो में यूनाइटेड नेशंस के जितने भी आपके मुख्य मुख्य संस्थान हैं उनके हेड कौन है वर्तमान समय में उनको का फाउंड किया गया था उनका हेडकुआटर कहाँ पर सब मैंने बताया हुआ है अरे वाह मोहम्मद शबीन अख्तर ओके हाँ क्विज तो हाँ क्विज तो है बेटा पुरुषोत्तम आपने देखा नहीं आ, मैं अच्छा मैंने तुमसे सवाल पूछा तुमने तो बताया नहीं अपना आंसर मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा चलो आ, एक दिन में दो बार क्विज देखो अभी तो पॉसिबल थोड़ा ऐसा है कि अब करना मुझे ही है तो थोड़ा समय का चक्कर है और कुछ नहीं मैनेज होगा तो मैं दो भी क्विज़ करवा दूंगा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तो एक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं आप एक क्विज़ देते रहिए कंटिन्यूटी बनी रहेगी आगे बढ़ा भी लेंगे उसे हम अच्छा मैंने मिस कर दिया कोई बात नहीं वैभव हाँ वैभव जॉब छोड़ दिए कौन सी जॉब की बात कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल आरआरबी पे पीओ में आरआरबी पीओ का जो भी एग्ज़ाम है आपका निकलेगा बस आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए तो चलिए ठीक है आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं एक ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी तो आप इसको जरूर देखिएगा और फिर हो सकता है कल शाम को पाँच बजे हमारी क्लास ना हो कल तो हो सकता है रात में आठ आठ बजे मैं आपके लिए क्यू एन ए सेशन लेके कर आऊँगा मिलूँगा ज़रूर कल आपसे हो सकता है पाँच बजे ना मिलूँ मैं बता दूँगा ग्रुप में वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कन्वे कर दूँगा आप लोग इसीलिए ग्रुप में रहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए तो कल मैं मिलता हूँ अगर आप लोगों की कुछ सवाल हैं तैयारी को लेकर के पढ़ाई को लेकर के तो कल उनका आंसर मैं करता हूँ एक स्पेशल अलग से क्लास लेकर के जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आराम से तसली से सारे आंसर्स करूँगा तो मिलते हैं कल सभी लोगों को बाय